आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हफमैन ट्री। तो बेसिकली हफमैन ट्री क्या है, ये ग्रीडी टेक्निक है। इसके अंदर हम क्या कहते हैं कि कोडिंग, ये कैसी कोडिंग टेक्निक है, हफमैन कोडिंग होती क्या है। तो ये कोडिंग टेक्निक होती है जो आपकी फाइल के साइज को रिड्यूस कर देती है, ठीक है। हफमैन कोडिंग क्या होती है, बेसिकली आपकी जो फाइल होती है उसके साइज को रिड्यूस करने के लिए यूज होती है। अब देखिए, लेट सपोज आपको एग्जाम्पल दी कि ये वेलकम टू टेक्समेट, ठीक है। तो अब आपने सबसे पहले जितने आपके पास ये हैं इंक्लूडिंग योर स्पेस एंड दिस डॉट, क्या करेंगे आप लोग, आप सारे वर्ड्स को लिख लेंगे। अब देखिए हमारे पास क्या था, वेलकम में डब्ल्यू ई एल सी ओ एम ई, ठीक है, वेलकम। इसी तरह स्पेस थी, फिर वो स्पेस में एंड पे लिख लूंगी वेलकम टू। अब देखिए जो चीज आपने दोबारा रिपीट नहीं करनी, आप जैसे ई था और ए था, ओ था, ये मैंने मिटा दिया। क्यों? क्योंकि हम रिपीट नहीं करेंगे, एक ही दफा फ्रीक्वेंसी लिख देंगे, डब्ल्यू ई एल सी ओ एम टी। और आपके पास ओ एक दफा रिपीट हो चुका है, ई भी हो चुका है, सी भी हो चुका है, एच आएगा अब आपके पास, टी के बाद एच, एच के बाद आई, आई के बाद आर, और फिर हमारे पास स्पेस भी तो थी, तो स्पेस को भी इंक्लूड करना है, और आपके पास डॉट भी था तो उसको भी इंक्लूड करना। अब हमने एन की फ्रीक्वेंसी देख लेंगे, डब्ल्यू कितनी बार आया आपके पास, वन टाइम, ई कितनी बार आपके पास आया, वन टू थ्री। तो आपने इसी तरह सारों की कैलकुलेट कर लेनी है, एल आपके पास कितना है, वन, नेक्स्ट आपके पास सी कितना है, टू, नेक्स्ट आपके पास ओ कितना है, टू, एम आपके पास है टू, एंड देन टी आपके पास है टू, देन एच आपके पास वन है, आई भी वन है, आर भी वन है, स्पेसेस दो है, ये देखिए एक यहाँ पे स्पेस है, एक यहाँ पे स्पेस है, डॉट आपके पास एक है। अब आपने क्या करना है, आपने ये काम कर लिया, अब आपने क्या करना है, आपने इसका ट्री जनरेट करना है, देन हम उसके अकॉर्डिंग इसका जो है वो कोड जनरेट, मतलब कोड लिखेंगे, ठीक है। तो हमने क्या करना है, देखिए हमने इसका एक ट्री बना लेना है। सबसे पहली बात जो आपके पास था ना, यहाँ पर हमने ये रखा पेज। अब यहाँ पर हमारी जो फ्रीक्वेंसी है, सबसे लो वाली फ्रीक्वेंसी कौन सी है, वन 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 वन, ठीक है। तो आपने इनको क्या करना है कि एक लेवल पे बना लेना है सबको। अब जिनकी वन वन फ्रीक्वेंसी थी वो कौन कौन से थे आपके पास, वो था W था, देन आपके पास L था, देन आपके पास H था, I था, आर था, एंड देन डॉट था, ठीक है। अब वन के बाद जो आपके पास टू टू वाले थे, आपने वो इकट्ठे करके एक और लेवल पर बना लिए, टू के पास था सी था, इन दोनों से जोड़ दिया। इसी तरह ओ था, उसको आप निकाल लिया। इसके बाद आपके पास एन था, देन टी था, देन स्पेस थी, स्पेस को मैं एसपी से शो कर रही हूँ, एंड देन आपके पास ई था, ठीक हो गया। ये आपने किसके लिए कर लिए, टू वालों के लिए कर लिए आपने। अब सॉरी, ई की थ्री पावर थी तो ई को थोड़े ऊपर आपने कर लेना। अब आपने इसको इससे जोड़ दिया, इसको इससे जोड़ दिया। अब फर्दर आपके पास थ्री वाला कौन सा है, आपके पास थ्री वाले रूट नोड्स में अगर हम देखें तो हमारे पास सिर्फ ई है, ठीक हो गया। अब हमने इनको किसी तरह जनरेट करना है, तो मैं ले सकता हूँ कोई भी आप मतलब वर्ड्स ले सकते हैं। तो मैंने फाइव को इस दोनों के साथ किया, देन फोर को इन दोनों के साथ किया, देन थ्री को मैंने इन दोनों से कर दिया, ठीक हो गया। फिर मैंने इसको और इसको मिला के एक और नोड बना दिया टू। फिर मैंने क्या किया, इसको और इसको, इन दोनों को मिला के क्या बना दिया, वन, ठीक हो गया। मतलब एक रूट नोड मैंने बना लिया। अब देखिए जो आपके पास लेफ्ट साइड पे है ना, उनको आप जीरो कर दें, और जो आपके पास राइट वाले हैं उनको आप वन कर दें, ठीक है। अब देखिए जीरो वन, ये लेफ्ट वाले हैं, लेफ्ट वाले सारों को आपने क्या करना है, जीरो कर देना, वन 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 जीरो जीरो वन वन जीरो जीरो वन वन, ठीक हो गया। ये अब हमने जनरेट कर, अब देखिए हमें क्या चाहिए था, W का कोड जनरेट करना है ना। W कहाँ पे, यहाँ पर है W। अब हम देखेंगे रूट से हमेशा स्टार्ट करते हैं, तो रूट क्या था हमारा, वन था ना, इसके अकॉर्डिंग हमने कहा जीरो जीरो देन जीरो देन जीरो, एक दो तीन चार है ना, तो हमने हमारा जो कोड जनरेट हुआ W का वो क्या हुआ, फोर जीरो, ठीक है। इसी तरह ई देखिए, ई कहाँ पे आपका, ई आपका ये है, तो क्या कहाँ से होके आ रहा है, वन एंड देन वन, बस। तो आपने क्या किया, इसके कोड क्या जनरेट हो गया, वन। इसी तरह आपने सबके कोड जनरेट करने हैं। नेक्स्ट जो एल है उसका है जीरो जीरो वन जीरो 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 देन जीरो जीरो वन देन जीरो वन जीरो, अगेन आपके पास टी आता है, टी का आपके पास जीरो वन वन आएगा, जीरो वन जीरो जीरो, देन आई का जो कोड है आपके पास वो आना है जीरो वन जीरो वन जीरो वन जीरो वन, इसका वन हंड्रेड आता है, एंड देन टेन एंड देन। अब ये कोड्स मैंने कैसे जनरेट किए, देखें
आपके पास सबसे पहले W था, आपने उसको प्रॉपर सर्च करना है, 0000 उसका कोड हो गया। E था 11, आपके पास कोड हो गया, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्या है, L है ना, तो L आपका कहाँ पे, यहाँ पे ना, 0011 उसका कोड जनरेट हो गया, ठीक है, L का। तो इसी तरह आपने देखना है कि आपका कोड किस तरह से जनरेट हो रहा है। तो L का हाँ आई थिंक हमने 0011 0001 लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पे क्या बन रहा है 0011, तो हम इसको चेंज कर लें। इसी तरह मतलब आपने सारा कोड जनरेट कर लिया। अब जब आपने कोड जनरेट कर लिया, ठीक है, अब आपका नेक्स्ट फोकस होना चाहिए कि आपने क्या करना है, उसकी वेलकम टू टच मीर था ना आपके पास, आपने उसका कोड जनरेट किया। अब जो अब W के कौन सा कोड आया आपके पास, W के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारे पास देखें यहाँ पे 4 जीरोज हैं। तो हमने सबसे पहले क्या लिखना है, वेलकम स्पेस टू स्पेस टेकमीर डॉट। अब W का कोड क्या था, 4 जीरोज। इसी तरह E का कोड क्या था आपके पास, 11। L का कोड क्या था आपके पास, 0001। C का कोड आपके पास क्या था, 0000। O का कोड आपके पास क्या था, 001। फिर उसके बाद आपके पास M का कोड क्या था, 010। E का अगेन कोड क्या था, 11। स्पेस का कोड आपके पास था 10। और T का फिर आपके पास कोड क्या था, 011। O का कोड क्या था आपके पास, 001। देन स्पेस का कोड आपके पास क्या था, 10। देन टेकमीर है ना, तो टेकमीर का टी का कोड क्या था, 011। ई का कोड क्या था, 11। सी का कोड क्या था, 000। एच का कोड क्या था, 0100। एम का कोड क्या था, 010। आई का क्या था, 0101। आर का क्या था, 100। और उसके बाद डॉट है, तो डॉट का कोड क्या था, 101। तो ये बेसिकली आपकी क्या हुई है, यहाँ पर कंप्रेसिंग हो गई है, आपकी फाइल कंप्रेस हो गई है, दैट्स ऑल।